हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरे किचन में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा क्लीनिंग कर रही हूँ। इसके बाद हम हमारी जो रेगुलर कुकिंग है वो कुकिंग करेंगे। तो उसके पहले थोड़ा सा ये जो सामान यहाँ पे किचन का जो प्लेटफॉर्म है इस पर फैला हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी और उसके बाद हम हमारा जो कुकिंग की प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि किचन में फैलाना हो जाता है तो हमें थोड़ा सा उसको क्लीन करना ही पड़ता है बीच बीच में। तो मैंने सोचा थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद हम हमारा जो खाना है आज का वो हम खाना या रेसिपी हम बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज मेरे किचन में क्या बन रहा है। तो आज हम बना रहे हैं दाल चावल। दाल चावल काफ़ी सिंपल होते हैं फ्रेंड्स, पर खाने में सबको काफ़ी पसंद आते हैं। आज मैंने सोचा ज़्यादा कुछ नहीं बनाती हूँ, सिर्फ दाल चावल ही बनाती हूँ, तो बस हम उसी की प्रिपरेशन करेंगे। तो चलिए कैसे बनाएंगे हम दाल चावल आज देखते हैं। काफ़ी सिंपल रेसिपी है पर आप बनाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। तो इसके लिए अब मैं यहाँ पे तुअर की दाल ले लूँगी और यहाँ पे आप चाहे तो तुअर की दाल के साथ इसमें मूंग की दाल भी मिला सकते हैं बिना छिलके वाली, या आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी चने की दाल भी मिला सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसी दाल पसंद है। तो ये जो दाल हम बनाने वाले हैं ये प्याज लहसुन हरी मिर्ची टमाटर से बनाने वाले हैं। तो इसके लिए अब मैं यहाँ पे डेढ़ कटोरी दाल ले लूँगी और ये दाल फ्रेंड्स मैंने पहले से ही साफ़ करके रखी हुई थी, इसलिए अब हमें साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं डायरेक्ट इसको इसमें से निकाल के और वॉश कर लूँगी। दो से तीन बार अच्छे से हम लोग पानी से वॉश करेंगे, उसके बाद हम इसको प्रेशर कुक करेंगे। दो से तीन विसिल ले लेंगे हम, दो से तीन विसिल में हमारी दाल ईज़िली हो जाएगी। तो अब मैं यहाँ पर मैंने डेढ़ कटोरी दाल ले ली है, तो बस इसी तरीके से अब हम हमारी दाल को बनाएंगे और अच्छे से वॉश कर लेंगे पहले हम। ये देखिए यहाँ पे मैंने कुकर ले लिया है और बस इसी कुकर में हम दाल बनाने वाले हैं। ये जो मेरा कुकर है ये 4 लीटर का कुकर है, तो ये काफ़ी बड़ा है। तो फ्रेंड्स ये चौड़ा है इसलिए इसमें काफ़ी अच्छे से दाल और चावल दोनों बढ़िया बनते हैं, खिचड़ी वगैरह भी काफ़ी अच्छी बनती है। तो बस अब देखिए मैं इसमें पानी डाल के अच्छे से इसको प्रेशर कुक कर लूँगी। एक से दो विसल ले लेंगे हम इसके लिए और हम इसमें अभी सिर्फ नमक डालेंगे। आप चाहे तो इसमें हल्दी और हींग भी डाल सकते हैं। जिन लोगों को कभी छोटे बच्चों का भी दाल खिलाना हो तो वो लोग इसमें हींग डाल के भी बना सकते हैं, तो वो बच्चों के लिए इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। तो बस इसी तरीके से हम हमारी दाल प्रेशर कुक कर लेंगे। इसमें आप पानी आपके हिसाब से कम या ज़्यादा जैसा भी आपको लगता है उस तरह से डालेंगे। और अब मैं इसमें कटे हुए टमाटर, मैंने एक टमाटर काट लिया था वो टमाटर मैं काट के इसमें डाल दूँगी। आप चाहे तो इसमें हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं और टमाटर के साथ हम इसमें डालेंगे नमक। इसका मैंने पहले से ही इसका मेज़रिंग करके रखा है स्पून से, तो 1.5 मैंने टीस्पून इसमें सॉल्ट डाला है। और अब हम हमारी दाल को प्रेशर कुक कर लेंगे। एक से दो विसिल हम ले लेंगे। और अब हम दूसरे तरफ राइस भी धो के रख देंगे। कम से कम 15 से 20 मिनट हम हमारे जो राइस हैं उसको धो के अच्छे से रख देंगे, तो जब हम बनाएंगे वो काफ़ी अच्छे बनते हैं। अगर आप धोकर और तुरंत अगर राइस बना लेते हैं फ्रेंड्स तो वो उसका फ्लेवर अच्छा नहीं आता है और वो चावल जो हम बनाते हैं वो भी बिल्कुल फुले फुले बनते हैं। तो इस तरीके से हम इसको 15 से 20 मिनट अच्छे से सोक करके रख देंगे वॉश करने के बाद, और उसके बाद हम हमारे जो चावल हैं वो चावल बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 कटोरी चावल ले लिया है और मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी। यहाँ पर मैंने वॉश कर लिया है अच्छे से, और इधर हमारे जो कुकर है उसमें विसल आने वाली है, सो एक से दो विसल हम लेंगे। यहाँ देखिए अभी हमारा जो विसल है वो आ गया है, तो इसी तरह एक से दो विसल हम ले लेंगे और गैस बंद कर देंगे।
और इधर दूसरी तरफ मैं तैयारी कर रही हूँ, जिससे हम बनाने वाले हैं दाल, प्याज, लहसुन और हरी मिर्ची से हम इसको फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छी लगती है, आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट चाहिए। तो बस इसी तरीके से मैं ये सारी चीज़ें अच्छे से साफ़ कर लूँगी और उसके बाद हम हमारी दाल को फ्राई करेंगे। तो बस अब इसी तरीके से हम इसको पूरी तरीके से छोटे छोटे साइज़ में काट लेंगे, और इस साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे लेना है। और यहाँ पे मैं कढ़ाई निकाल रही हूँ जिसमें हम दाल फ्राई करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ से एक कढ़ाई ले ली है, तो ये काफ़ी हेवी बॉटम कढ़ाई है फ्रेंड्स, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इस कढ़ाई की। तो अब हम इसमें दाल फ्राई करेंगे, इसके लिए मैं यहाँ पर तेल डाल दूँगी, और जैसे ही हमारा तेल अच्छे से गर्म होगा उसमें हम राई, जीरा ये डालेंगे और हींग भी डालेंगे, जिससे कि इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। हींग दाल में स्पेशली डालना चाहिए, क्योंकि हींग से एक तो ये होता है इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है और आपको दाल डाइजेस्ट करने में भी काफ़ी हेल्प करती है। देंगे और जैसे ही हमारा राई और जीरा होगा उसके बाद हम सबसे पहले इसमें लहसुन डालेंगे, क्योंकि लहसुन अच्छे से जब लाल अच्छे से भुन जाएगी तो उसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा। तब देखिए मैं यहाँ पे जो लहसुन हमने साफ़ करके रखी थी वो लहसुन डालूँगी, और जैसे ही हमारी लहसुन अच्छी हल्की सी लाल होगी उसके बाद हम इसमें हमारी हरी मिर्ची और प्याज डालेंगे। तो बस इसी तरह से हिलाते हुए हमको इसे लाल करना है। और अब मैं इसमें हरी मिर्ची डाल दूँगी, क्योंकि हमारी लहसुन हल्की सी लाल हो गई है, और जैसे ही हमारी लहसुन लाल होगी उसके बाद हम इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे, और हरी मिर्ची थोड़ी सी जैसे भुनेगी हमारी उसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। और इसी तरीके से हम सारे मसालों को, सारे जो प्याज लहसुन है हरी मिर्ची, इसको अच्छे से पका लेंगे, उसके बाद हम इसमें हमारे सूखे मसाले डालेंगे। तो अब यहाँ पर लहसुन भी अच्छे से लाल हो गई है, हरी मिर्ची भी हो गई है, और अब इस टाइम पर हम इसमें प्याज डाल देंगे। तो अब प्याज को भी हम अच्छे लाल होने तक भुनेंगे, बस इसी तरह से चलाते हुए हमको हमारे प्याज भुनना है। ये देखिए अब हमारे प्याज, लहसुन और हरी मिर्ची अच्छे से भुन गई है, और अब हम इसमें हमारे जो सूखे मसाले हैं, हल्दी, मिर्ची, धना और हींग, ये सारी चीज़ें डालेंगे। नमक हमने ऑलरेडी जब बॉईल किया था उस समय डाल दिया था, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि हमारा जो मसाला है वो जले ना। तो बस इसी तरीके से इसका जो पानी थोड़ा सा ख़त्म होगा और जैसे ये तेल छोड़ देगा उसके बाद हम इसमें हमारी जो दाल हमने बॉईल की है वो दाल हम इसमें डाल देंगे। अब हमारा मसाले ने बिल्कुल अच्छे से तेल छोड़ दिया है, और अब इस स्टेज पर हम इसमें हमारी जो दाल हमने बॉईल की थी टमाटर डाल के वो हम इसमें डाल देंगे, और अब हम हमारी दाल को अच्छे से बिल्कुल बॉईल होने देंगे। जब तक कि ये अच्छे से बॉईल नहीं होती है तब तक हम गैस बंद नहीं करेंगे। ये देखिए काफ़ी अच्छा कलर आया है, बस इसी तरीके से अब हम इसे थोड़ा सा तेज़ कर देंगे गैस और इसको बॉईल होने देंगे। हमारी दाल अच्छे से पूरी तरीके से बॉईल हो गई है, मैंने गैस बंद कर दिया है, और बस इस तरह से हम धनिया से इसको गार्निश करेंगे, और हम इसको अच्छे से ढक के रख देंगे ताकि जब हम खाना खाएं तो ये बिल्कुल गर्म रहे। कितना अच्छा बिल्कुल येलो कलर आया है। और अब दूसरी तरफ हम जो हमारे चावल हमने भिगो के रखे थे वो चावल हम प्रेशर कुक कर लेंगे, एक विसिल लेंगे हम उसके लिए। ये देखिए अब मैं यहाँ पर चावल डाल दूँगी, और इस चावल में हम नमक और घी डाल के इसको प्रेशर कुक करेंगे। अगर आप फ्रेंड्स नमक नहीं खाते हैं तो आप नमक अवॉइड कर सकते हैं, पर मेरे यहाँ पे चावल में भी नमक खाना पसंद करते हैं, तो मैं इसलिए इसमें नमक भी डालूँगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसमें नमक डाल दिया है, और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी घी। घी डालने से इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है और हमारे जो चावल होते हैं वो काफ़ी खिले खिले भी बनते हैं। तो अब हम इसमें घी डाल देंगे और इसमें एक विसिल ले लेंगे, और मैं अब इसका ढक्कन लगा दूंगी ताकि हम इसका एक विसिल ले सकें। तो फ्रेंड्स ये बस मैंने ढक्कन लगा दिया है,
ये देखिए जो ये जो ढक्कन है, ये दाल का प्रेशर होने से इस तरह का ऊपर से पूरी दाल निकल जाती है, तो कभी 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 ऐसा हो जाता है। आज दाल बनाते टाइम में इसमें थोड़ा सा घी या तेल डालना भूल गई, अगर आप डाल देते हैं तो इस तरह से इसकी जो दाल होती है वो बाहर नहीं निकलती है। तो बस अब इसी तरह से हम एक विसल ले लेंगे चावल के लिए, और एक विसल में हमारी जो चावल है वो हो जाएंगे। और हमारे चावल हो गए फ्रेंड्स, और अब मैं यहाँ पर थाली लगा रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कुछ खाने की ज़्यादा ऐसा हेवी खाने की इच्छा नहीं होती, और सिर्फ ऐसा कुछ लगता है कि हल्का फुल्का बनाना है, तो उसके लिए दाल और चावल बेस्ट होते हैं। कभी कभी बच्चे खिचड़ी खाने में भी नाटक करते हैं, पर बच्चे दाल चावल आसानी से खाना पसंद करते हैं। तो ये देखिए मैं इस तरह से जो दाल और चावल है इसमें थाली में सर्व कर रही हूँ। आप चाहे तो इसके साथ अचार पापड़ भी ले सकते हैं। ये देखिए हमारे चावल भी बिल्कुल गर्म है, काफ़ी अच्छे बने हैं, बिल्कुल खिले खिले हुए। और अब मैं इसको थाली में निकाल लूँगी बस इसी तरीके से। और जब दाल चावल बनते हैं फ्रेंड्स, तो ये गरम गरम खाने में ही काफ़ी अच्छे लगते हैं, ठंडे होने के बाद अच्छे नहीं लगते हैं। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। यकीन मानिए ये काफ़ी सिंपल है बट काफ़ी टेस्टी लगते हैं खाने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर इस पर लाइक और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।